हमारे पेरेंट्स जो हैं दे आर नो मोर, मतलब तो दे आर आई पी, रेस्टिंग इन पीस। पिताजी तो 1999 में गुजर गए, माताजी 10 साल बाद 2009 में गई। लेकिन बातें इसे इसे बताते थे वो लोग, क्या उनका है जहन में बहुत गहरे गहरा छाप छोड़ी हैं। तो उसमें हरदम कहते थे, हम लोग यंगर जनरेशन को हरदम इंस्पायर करने के लिए कहते थे कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए। आप कितना भी रूप सिंगार कुछ भी कीजिए, वाइफ है या प्रेसी है या कुछ भी है, अगर वो उसको भाती नहीं है, मैंने उसको अच्छी नहीं लगती है, तो सब यूजलेस है। सिमिलर स्पाउस जो कहिए, ठीक उल्टा अगर कर दीजिए, दूल्हा वही जो पत्नी को भा रहा है वही है, तो किस तरह से आपका स्पाउस का जो थॉट प्रोसेस है, एटीट्यूड है, और उसका वो अगर अप्रिशिएट आपको नहीं करता है, वो मे बी फिजिकली, मे बी मेंटली, मे बी प्रोफेशन वाइज, मे बी किस लेवल पर हो, अपना सोशियो इकोनॉमिक हो या थी हो, मैंने द होल आइडिया इसका कि एक दूसरा के लिए लॉन्गिंग होना जरूरी है, एक दूसरा को मिस करना इम्पॉर्टेंट है, एक दूसरा का अप्रिशिएट करना इम्पॉर्टेंट है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है। स्मॉल थिंग्स है लेकिन इट हैज़ गॉट ह्यूज उसका इम्पैक्ट है, खास करके मैट्रिमोनियल लाइफ में, और जो नक्चुअल नॉटिंग हम लोग कहते हैं शादी विवाह में, यंगस्टर लोग हैं, यंगर कपल्स हैं, स्पाउसेस हैं, तो दे थिंक दे टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड कि भाई हस्बैंड है या वाइफ है, दे थिंक दैट देयर इट्स देयर प्रॉपर्टी, इट्स नॉट प्रॉपर्टी। आप हृदय से आपके हम हैं तो हैं, या नहीं तो नहीं है। इसीलिए आजकल बहुत देखिएगा, बहुत सारे टसल्स होता है, बहुत सारा बिकरिंग्स होते रहता है हस्बैंड वाइफ में, तो सभी में होता है, नथिंग न्यू अबाउट इट। लेकिन जरूरत से ज़्यादा हो रहा है, अति हो रहा है, तो दैट्स नॉट ए गुड साइन। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपके स्पाउस व्हाट ही वांट्स, हाउ यू शुड लुक लाइक, हाउ यू शुड बिहेव, हाउ यू शुड प्रेजेंट योर सेल्फ इन दैट वे, तो यू हैव टू नो दैट आर्ट। ये भी एक आर्ट है, सिर्फ डोंट थिंक कि बस या हस्बैंड हो गया, शादी हो गई या वाइफ आ गई तो वो हमारे संपत्ति हो गई और जैसे चाहेंगे उसे नचाएंगे। आजकल के लड़का लड़की पढ़ा लिखा है, समझदार है, विवेकवान है, मैंने विजडम भी है उसके पास, तो प्रेम से उसको जीतना है, नॉट बाय कोई फोर्स है या कोई अथी उसको समझे कि उसको कोई परेशान करके या उसको मजबूरी में डाल के या किसी तरह से गलत ढंग से, दैट्स नॉट अ वे। इफ़ यू वांट टू गो, हमारे ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, हम लोग का मैट्रिमोनियल लाइफ है, मात्र 45 साल से शादी हमारी हुई है, आई एम जस्ट 66 ईयर्स ऑफ एज, आई एम सीनियर सिटीजन, आई एम ए कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, FRCS भी हूँ, और खाली FRCS ही नहीं हूँ, दो डबल FRCS के बाप भी हूँ, दो बेटा है, दोनों बच्चे हैं, और दोनों डबल FRCS देमसेल्स ईच है, और UK में बेस्ट है, तो बड़ा वाला तो खोपड़ा खोलता है, इज अ कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, और छोटा वाला भी है, इज अ सीनियर रजिस्ट्रार, इज अ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट है, और वाइफ जो है वो खुद है MRCOGS, इज अ कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट। तो ये सब का अनुभव लेकर तब मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, एंड यू थिंक ओवर एंड कीप वर्किंग ऑन इट। अब बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है, अपना मेहनत है, लेकिन यू मस्ट फॉलो सर्टेन नॉर्म्स, इफ यू गो बाई देम चांसेस कम है आपका मैट्रिमोनियल लाइफ गड़बड़ होगा। थैंक यू वेरी मच। और सब चीज़ क्लियरिटी रहना चाहिए, फेथफुलनेस रहना चाहिए, सिंसियरिटी रहना चाहिए, डिवोशन है, डिटर्मिनेशन है, यू मस्ट मिस ईच अदर, और रेस्पेक्ट करिए एक दूसरा का, उसका वैल्यूज़ का, उसका उसके नैहर का, ससुराल का, सबका इम्पोर्टेंस नहीं दीजिएगा तो दिक्कत है, देन यू हैव टू टफ लाइफ, स्पेशली मैट्रिमोनियल लाइफ। सोचा आप लोग से शेयर करूँ अपना एक्सपीरियंसेस। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम मुसाफिर समर। आई एम ऑल्सो अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, 4,500 से ऊपर हमारा
पोस्ट है अराउंड द वर्ल्ड, यूरोप में भी बहुत दिन काम किया हूँ, तो इसलिए ये सब सोचा कि यंगर जनरेशन को बताना ज़रूरी है, संस्कार देना ज़रूरी है, गुड थिंग्स जानना जरूरी है, लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, दे डोंट हैव द एक्सपीरियंस, इसलिए इसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना चाहिए। थ्योरी बहुत चीज़ आदमी समझता है, पढ़ता है, इधर उधर का छिटपुट ज्ञान रहता है, इधर से उधर से, उससे नहीं काम चलेगा। प्रैक्टिकल लाइफ इज़ ए वेरी डिफरेंट थिंग। अपना प्रोफेशन में इतने सबका एक दूसरे का कदर कीजिए, ह्यूमन वैल्यूज रखिए, व्हाई नॉट आई सक्सेस, यू विल ऑलवेज सक्सीड, स्पेशली इन योर फैमिली लाइफ। अगर फैमिली लाइफ आपका अच्छा नहीं रहेगा तो यू विल हैव लॉट ऑफ टेंशन, अनड्यू टेंशन, और ये टेंशन जो है आपके प्रोफेशन में वो इफेक्ट करेगा एंड दैट विल डैमेज इट। इसलिए फैमिली या घर का लाइफ और वहाँ स्मूदनेस जो है वो इम्पोर्टेंट है। घर को अगर गृहिणी है, समझदार है, तो सब तरफ उसको मैनेज करना है। लेडीज़ दे हैव लोड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, अपना को देखना है, बच्चों को देखना है, बड़े बच्चा हस्बैंड को देखना है, सास ससुर को देखना है, मदर फादर को देखना है, भाई बहन साला साली से लेकर, और प्रोफेशन वाइज आजकल प्रोफेशनल्स हैं लेडीज़। इसलिए ये एक सिंपल एडवाइस है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट कीजिए और ऑलवेज ऑलवेज हस्बैंड वाइफ में सबमिशन का रखना चाहिए। अगर सबमिट आप नहीं कीजिएगा, इफ़ यू डोंट सरेंडर, आप अपना अहम अपने नाक ऊँची रखिएगा, वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज थिंग्स, देन थिंग्स आर नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग। अगर लंबी रेस का घोड़ा होना चाहते हैं इन दैट रिस्पेक्ट, स्पेशली मैट्रिमोनियल लाइफ अगर सुख में चाहते हैं, तो यू हैव टू गो बाई ऑल दिस वेरी स्मॉल थिंग्स, लिटिल बिट ऑफ एडजस्टमेंट, एक दस फार एंड नो फर्दर, इतना तक हम एडजस्ट करेंगे, इसके आगे नहीं करेंगे। दैट्स वो तो अपना प्रेरोगेटिव, एवरीबॉडी हैज ओन वो लक्ष्मण रेखा अपनी अपनी है, इसलिए सोचा कि आपको शेयर करना ज़रूरी है। आजकल यंगस्टर को, खासकर यंगर जनरेशन्स हैं, एक्स वाई जेड सो कॉल्ड है आजकल, लव अफेयर्स है दिस दैट, या रिलेशनशिप भी है, हस्बैंड वाइफ हो, मदर फादर हो, भाई बहन हो, समाज में जो रिलेशन है, इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक। बेसिकली खाली लॉ अक्षर नहीं सीखना है, द अक्षर भी सीखना है। इफ यू गिव समथिंग, आप इफ यू पे रिस्पेक्ट टू अदर्स, डेफिनेटली यू वांट टू गेट इट बैक। यही दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, समझेंगे नहीं। तो इसीलिए एक एक नियम भी नहीं है, जैसे पांच अंगुलियां है बराबर नहीं है, हर आदमी का नेचर, विचार, थिंकिंग, अप्रोच सब डिफरेंट है, उसका ब्रॉटअप किस तरह से हुआ, क्या हुआ है, तो सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट यू हैव टू रीड दोस। कोई सिग्नल दे रहा है तो यू हैव टू रीड दोस सिग्नल्स, और वो जैसे ट्रांसमिट कर रहा है या कर रही है, एंड यू हैव टू कैच दो सिग्नल। उसके लिए आपको रिसीवर आपको अपना मजबूत रखना होगा, समझदार रखना होगा, और सेम वेवलेंथ, सेम केमिस्ट्री, सेम, अगर नहीं रखिएगा तो दिक्कत है, तब एडजस्टमेंट विल बिग थिंग। तो हमारा बेस्ट विशेष यही है कि आप लोग सब स्मूथ सेलिंग कीजिए और लाइफ को अपना यूजफुल बनाइए, फॉर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, कुछ मानवता के लिए कुछ कीजिए। दैट्स द मैसेज लाउड एंड क्लियर आई वांट टू गिव टू द पब्लिक एट लार्ज एंड यंगर जनरेशन इन पर्टिकुलर। थैंक यू वेरी मच फॉर मुसाफिर समर। आई एम ऑल्सो अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पर फ्री है एट द रेट ऑफ मुसाफिर समर। मुसाफिर, वी आर ऑल ट्रैवलर्स इन दिस वर्ल्ड, तो इसलिए मुसाफिर हैं हम लोग, आए हैं सो जाएंगे, आज राजा रंग फकीर जाना ही है। समर इज़ माई फर्स्ट नेम। इफ यू गो बाई गूगल, उसमें भी हमारे 4,500 पोस्ट है हमारा इसमें इंस्टाग्राम पर, अभी करीब 300 है यूट्यूब पर, सब इंफॉर्मेटिव है, कुछ इंटरटेनिंग है, कुछ है इंस्पायरिंग है, एनेक्डोट्स है, स्टोरीज है, प्रोवर्ब्स है, जो कोलोकियल टर्म्स में यूज़ होती हैं ये सब, इसलिए इसको ज़रूर आप चेकआउट कीजिए। www.youtube.com/amarendramridula, अमरेंद्र इज़ माई फर्स्ट नेम, AMARENDR, अमर कैसे लिखेंगे, AMARENDR, MRIDULA, फर्स्ट नेम ऑफ माई वाइफ इज़ मृदुला, बेटर हाफ, कोई गैप हस्बैंड वाइफ कपल में ऐसे भी नहीं होना चाहिए, कॉमा फुल स्टॉप कुछ भी नहीं, तो इन कंटिन्यूटी है, स्मॉल लेटर्स में है, अमरेंद्र मृदुला इन वन सिंगल वर्ड।
स्मॉल लेटर्स में है। थैंक यू वेरी मच। और मुसाफिर.com से भी जा सकते हैं। सी यू, बाय बाय।